तो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो जो है वो मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या क्या होता है, उसमें क्या मेंटेनेंस कर सकते हैं आप, क्योंकि एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है आपकी, ज़्यादातर जितनी भी अच्छी गाड़ियाँ आती हैं उसमें डिस्क ब्रेक रहता है, तो कहीं आपको आगे मिलेगा, कहीं पीछे मिलेगा, कहीं बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ये मास्टर सिलेंडर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किसको आपको रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है ना, और कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ब्रोकन मास्टर सिलेंडर है, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मली हर मोटरसाइकिल या स्कूटी में यही ऐसे ही मिलता है, यहाँ पे ब्रेक लीवर लगा रहता है, ये इसका पॉइंट होता है जिससे कि आप जब ब्रेक दबाते हैं तो ये पंप करता है। यहाँ पे आप छेद देख सकते हैं, ये मैं पंप कर रहा हूँ, एयर यहाँ से देखिए पास हो रही है आगे वाले छेद से, ठीक है ना। तो बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे तेल भरा रहता है, यहाँ पे आपका लेवलर रहता है, ठीक है ना। और जैसे आप पंप करते हैं ये तेल सक करके आपके इस वाले आउटलेट से बाहर फेंक देता है ब्रेक के ऊपर, जिससे कि आपका ब्रेक प्रेशर लगता है और ब्रेक लग जाता है। तो इस डिवाइस को मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। और बस ये आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए रखा है मैंने। इसके बैक साइड देखते हैं तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, इस टाइप का एक ब्रेक का स्विच लगता है, ठीक है ना। इसमें आपके दोनों वायर जाते हैं, तो आपस में जब वायर शॉर्ट होते हैं ब्रेक दबाते हैं तो पीछे की लाइट जल जाती है। तो नॉर्मली ये स्विच में आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ये पुश बटन मिलता है, ये जब प्रेस होता है अंदर का बटन तो आपकी लाइट्स आपस में मिलती हैं और ब्रेक लाइट जल जाती है। तो नॉर्मली ये छोटे से नट से, ऐसे नट से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बना हुआ है, राइट, ये ऐसे करके इंस्टॉल होता है ब्रेक के साथ, ठीक है ना। तो ये भी कभी स्विच ख़राब हो जाते हैं तो ब्रेक लाइट आपकी काम नहीं करती। ओके, नेक्स्ट आपका ये हैंडल बार पे लगता है आपका, ठीक है ना। इसमें आपके ये 10 नंबर के स्क्रूज लगते हैं जो कि पतली चूड़ी के होते हैं, राइट। इसके अलावा क्या मिलता है आपको, इसके अलावा आपको ये फिल्टर मिलता है। ज़्यादातर लोग ये क्लीन नहीं कराते हैं, ज़रूर क्लीन कराना चाहिए। इसमें बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ ताकि आप देख सकें। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये टाइनी होल्स होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑयल प्रॉपर नहीं जाता है और आपका स्पॉन्जी ब्रेक हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है ब्रेक। और ये लगता है आपके इसके ऊपर ताकि डेब्रीज ना जाए, गंदगी ना जाए, तो ये ऐसे कवर रहता है, इसमें एक रिंग भी रहती है। तो इसको साफ़ करा सकते हैं जब मास्टर सिलेंडर अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपका ये ऑयल लेवल का इंडिकेटर होता है जो साइड में लगता है, कुछ लोगों का ये टूट जाता है तो ये किट के साथ ही आता है, ठीक है ना। ये साइड में लगता है, ऐसे बाहर से पुश कर देंगे तो रबर के साथ अंदर चला जाता है, बैठ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जब ये बैठता है तो इसके ऊपर से याली एक रिंग चढ़ा देते हैं लॉक करने के लिए, ऐसे साइड से स्लाइड हो जाता है लॉक, ठीक है। ओके, जूम आउट। इसके अलावा आपके पास ये रबर रहता है जिससे कि वैक्यूम क्रिएट होता है, ये ऊपर ऐसे डाला जाता है, इसके ऊपर कवर आता है, कवर इसका टूट गया है तो वो आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए रखा है। तो ये रबर पैडिंग होनी चाहिए और इसका जो लेवल होना चाहिए ना, कम से कम बस इतना रखिए आप, पूरा ओवरफ्लो मत करिए, नहीं तो ये पूरा करोड़ हो जाता है। इस टाइम के बाद यहाँ का आपका पेंट खराब हो जाता है। और ये स्क्रूज होते हैं, पतले स्क्रूज होते हैं आपके 8 नंबर के, ये लंबे स्क्रूज, किसी में छोटे स्क्रूज लगते हैं, दोनों से फर्म प्रेशर करके आप टाइट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यूज़फुल लगा कि क्या आपको मास्टर सिलेंडर में ध्यान रखना है। ये बाइब्री के हैं, किसी में निसिन के आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो इसके भी काफ़ी अच्छे होते हैं। So I hope you enjoyed the video, you liked it. If you liked it, do subscribe and share this video. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.